फाइटर जेट ड्रोन टक्कर के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनातनी को लेकर भी बड़ी खबर है। अमेरिका ने रूसी राजदूत को तलब किया है और बड़ी बात यह है कि रूसी राजदूत से अमेरिका के सवाल जवाब को लेकर भी बड़ी खबरें मिल रही हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर, खासकर तब जब रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं और यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और खुलकर ये रशिया की हिमाकत समझी जा सकती है कि उस अमेरिका को जवाब देना जिसको अभी तक यूक्रेन के जरिए जवाब देने की रशिया कोशिश कर रहा था और अमेरिका इसको लेकर तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। इसीलिए रशियन जो वहां पर राजदूत है उसको तलब किया गया है, सवाल जवाब किया गया है और यह समझने की कोशिश की गई कि आखिरकार यह घटना हुई तो हुई कैसे, किसके इशारे पर हुई और क्यों हुई और इसके बाद अब क्या होगा, उस पर पूरी दुनिया की निगाह है क्योंकि अमेरिका शांत होने वाला नहीं है, रशिया को जवाब जरूर देगा। और कहा यह जा रहा है कि रूस अमेरिका में सीधी जंग हो सकती है। इसके बाद देखिए, जेट और ड्रोन की टक्कर के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। पेंटागन ने क्रेमलिन के एक्शन को गलत बताया है और माना जा रहा है कि पुतिन ने सीधे तौर पर इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे। रूस ने अमेरिका पर एयर स्पेस के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि अमेरिका यह कहता हुआ नजर आया कि उसका जो जहाज था वो इंटरनेशनल स्पेस में था। अमेरिका ने रूसी राजदूत को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया। रूसी राजदूत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और अपनी सफाई पेश की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन का सेल्फ प्रोपेल्ड गन से ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला, रशियन ठिकानों को इस बार निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन के सुमी में लगातार बमबारी हुई है। 24 घंटे में 51 राउंड फायरिंग, कई रिहायशी इमारतों को इससे नुकसान भी पहुंचा है। और अगली बड़ी खबर अमेरिकी ड्रोन को लेकर, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। क्रीमिया के पास दिखा था अमेरिकी ड्रोन MQ-9, बड़ी आशंका के चलते ड्रोन के पास पहुंचे थे रूसी फाइटर जेट। देखिए अब खबर खुलती हुई नजर आ रही है, कुछ और डिटेल्स इस टक्कर से जुड़ी हमारे सामने हैं, जो ये बता रही है कि आखिर अमेरिका के इरादे क्या थे, इस ड्रोन के जरिए अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद रूस की तरफ से यह फैसला लिया गया और इस अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया गया। बड़ी आशंका इस खबर के सामने आने के बाद हमारे जहन में। तो देखिए, अमेरिकी ड्रोन से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्रीमिया पर एक्शन क्या ऑन हो चुका है? क्रीमिया के पास अमेरिकी ड्रोन दिखने से आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। रूस अमेरिका के बीच टकराव की वजह है क्रीमिया, और क्रीमिया की जासूसी को लेकर रूस का अमेरिका पर शक भी गहराता जा रहा है। रूस ने पहले भी अमेरिकी ड्रोन देखे जाने का दावा किया है। क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन कर रहा है लगातार दावा, ज़ेलेंस्की कई बार बयान दे चुके हैं इस बारे में। क्रीमिया की लड़ाई में अमेरिका पर यूक्रेन की मदद का शक है। तो देखिए, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। शैलेंद्र सर, अगर क्रीमिया पर यूक्रेन की साजिश में अमेरिका ने साथ दिया तो पुतिन का क्या जवाब होगा, क्योंकि क्रीमिया के आसपास लगातार गतिविधि अमेरिका की देखने को मिल रही है, क्या पुतिन चुप बैठेंगे? ये बात बिल्कुल तय है कि क्रीमिया से रिलेटेड कुछ भी चाहे यूक्रेन करे चाहे यूएस करे, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा रशिया। ये रशिया और पुतिन की इज्जत का सवाल है, उनकी नाक का सवाल है, मक्खी नहीं बैठने देंगे वो वहाँ पर। जहाँ तक यूएस का सवाल है, आप देख रहे हैं कि आप रशिया के अम्बेसडर को बुलाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, हमने भी गलत किया कि हम आपके यहाँ पर स्पाइंग के लिए आए, अब आपने भी गलती किया है कि आपने हमारे जहाज को गिरा दिया। सो इट इज़ बिकमिंग टॉलरेबल। ये दोनों कंट्री स्मार्ट हैं, ओपन जब तक नहीं आएंगे जब तक के इनका एक्चुअल क्लैश ना हो। ये जो क्लैश है इसको आप एक एक्सीडेंटल क्लैश के तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, आंकलन किया जा रहा है। सर, क्या बात यही रुक जाएगी या फिर बात बहुत आगे तक जानी है, क्योंकि दोनों मजबूत और ताकतवर देश हैं, सक्षम देश हैं। विपिन, कल मैं आपका चैनल देख रहा था, अमेरिका ने एक दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन क्रीमिया पर हम अटैक करेंगे, तो उस बैकग्राउंड को रखते हुए अगर ये देखा जाए कि ये क्रीमिया की तरफ रशिया अब कोई भी चांस नहीं लेगा,
जैसे शैलेंद्र कह रहे थे, मैं पूरी सहमत हूँ, फुल सामने नहीं आएगा, एक सांकेतिक रूप से अपनी लिमिट्स में रह के अटैक करेगा, बिकॉज वो मौका नहीं देना चाहता कि रशिया ने पहला एक्शन लिया। इतिहास भी गवाह है कि रशिया ने कभी भी पहला एक्शन नहीं लिया, अमेरिका नहीं कहीं न्यूक्लियर बम लगा। गतिविधि जिस जगह पर है सर वो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, ब्लैक सी में तनाव भी कोई पहली बार देखने को नहीं मिला और ये लोकेशन भी क्रीमिया से महज 128 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, तो इस लिहाज से ये पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्रीमिया को तो रशिया किसी भी हालत में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पहले से प्रीएम्प्टिव अप्रोच। जो बात आप कह रहे हैं ना सर, उसी लिहाज से ये बयान दिया गया, और रूसी राजदूत कह रहे हैं कि रूस को अमेरिका भड़का रहा है।